Welcome to the Thistle Software. Today we will learn about Photoshop selection, layers, and passport size image making. Assalamu alaikum guys. Aaj Photoshop ka second lecture hai aur aaj hum log jo cheeze study karenge usme sabse pehle hai ek selection tool jise quick selection tool kaha jata hai and secondly hum log study karenge layers ke bare mein. Theek hai, layers kya hoti hain aur layers kaam kis tarah karti hain. एंड थर्डली हम लोग स्टडी करेंगे क्रॉप टूल एंड फोर्थली हम एक इमेज को इन्हीं चीज़ों से जो है वो इस्तेमाल करते हुए इन्हीं चीज़ों का हम लोग उससे एक पासपोर्ट साइज इमेज जो है वो रेडी करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, क्विक सिलेक्शन टूल जो है बेसिकली क्विक सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है W. ठीक है, W जैसे ही आप प्रेस करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, वैसे मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्थ नंबर पे आपके पास जो टूल आ रहा है उसमें क्विक सिलेक्शन टूल जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है. ठीक है जी, और क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप ये करेंगे इसका साइज़ जो है, इसके ब्रश का साइज़ वो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. डिक्रीज़ करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसिस जो हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, जो ओपनिंग कर्ली ब्रेसिस वाला बटन है पी के बिल्कुल साथ होता है ये बटन, ठीक है, तो वो प्रेस करेंगे उससे ये स्मॉल हो जाएगा और जैसे ही आप क्लोजिंग वाला प्रेस करेंगे उससे ये बड़ा होता जाएगा. ठीक है, आप अपने हिसाब से आपने जो है वो एडजस्ट कर लेना है. नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा के इसे सेलेक्ट पे वो क्लिक करके तो इस पर माउस मूव करेंगे तो ये सिलेक्शन कर देगा. लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि आपका जो ब्रश है वो ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली आपने क्लिक को रिलीज़ नहीं करना, क्लिक करके रखना है. अब इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन सेलेक्ट करने का मकसद क्या था? सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि हम जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास अगर आप नोटिस करें तो यहाँ राइट साइड पर, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ जूम करके, राइट साइड पर लेयर पैनल है. ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अभी एक ही लेयर है जिसका नाम है बैकग्राउंड. ठीक है, जिसके ऊपर ये सारा कुछ है, बैकग्राउंड भी और ऑब्जेक्ट भी. हमने ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है. ठीक है, सेपरेट करने के लिए हम Ctrl+J प्रेस करेंगे. ठीक है, और हमारे पास एक न्यू लेयर जो है वो सिलेक्शन की बन जाएगी. सिलेक्शन हमने किस चीज़ की थी? ऑब्जेक्ट की. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक सिलेक्शन जो है वो एक न्यू लेयर में आ जाएगी, उतना ऑब्जेक्ट जो है जितना हमने सेलेक्ट किया था. नेक्स्टली हमने क्या करना है, अगर हम जूम आउट करके देखें तो दोनों लेयर्स के साथ एक आई बटन भी आ रहा है. हम जिस भी लेयर के आई बटन पे क्लिक करेंगे वो लेयर हाइड हो जाएगी. तो मैं बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर देता हूँ. अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न बना हुआ है बैकग्राउंड पे. वाइट बैकग्राउंड नहीं है, पहले इमेज का क्या था, वाइट बैकग्राउंड था, अब पैटर्न बना हुआ है. जो ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होने की निशानी है, मतलब कि इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है, खाली है ये. ठीक है जी, और अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो पहले बैकग्राउंड क्या था, वाइट था, अभी इस ऑब्जेक्ट पे, इस लेयर पे कुछ भी नहीं है, मतलब नीचे वाली लेयर हमारी हाइड है. मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ. डिलीट कैसे करना है, डिलीट की की प्रेस करनी है कीबोर्ड पर तो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी. ठीक है जी, अब आप नोटिस करें हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर है यहाँ पे, लेयर वन. ठीक है जी, और लेयर वन पे सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है. ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक न्यू लेयर लेंगे. न्यू लेयर लेने का तरीका क्या होता है, आप लेयर पैनल में ही आएंगे, लेयर पैनल के नीचे जो है अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर एक डिलीट का आइकॉन बना हुआ है, उसके साथ एक ऐड का आइकॉन बना हुआ है. इसका मतलब है क्रिएट अ न्यू लेयर. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू लेयर आ जाएगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेयर टू जो है हमारे पास आ गई है. लेयर टू को हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली लेयर्स काम इस तरह करती हैं कि एक बर्गर की तरह. ठीक है, बर्गर में क्या होता है, बर्गर के सबसे नीचे बन, उसके ऊपर पैटी या वट एवर चिकन, वट एवर जो भी है उसके अंदर के इन्ग्रीडियंट्स जितने भी हैं, और उसके ऊपर फिर से अगेन बन आ जाता है. तो जब अगेन ऊपर वाला बन होता है ना, अगर आप बर्गर को ऊपर से देखें तो आपको सिर्फ वही नज़र आएगा, उसके अलावा आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी. ठीक है, ना उसके अंदर की पैटी नज़र आएगी जब तक कि वो पैटी जो है वो बाहर ना हो बन से. बन से जितनी बाहर होगी आपको उतनी ही नज़र आएगी.
ठीक है, बाकी जो बन के नीचे है वो नहीं नजर आएगी। तो ये लेयर्स भी इसी तरह काम करती हैं, जो सबसे टॉप पे लेयर है वो आपको टोटली विजिबल होगी, जो उससे नीचे है लेयर वो आपको सिर्फ उतनी ही विजिबल होगी जितनी के ऊपर वाली ने स्पेस खाली छोड़ी हुई है, या उससे जो जो बाहर होगी बस। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर टू है। लेयर टू को हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट, एक टूल है जिसकी शॉर्टकट की है जी, मैं जी प्रेस करता हूँ तो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल अगर आप यहाँ टूल बॉक्स में देखें, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ये है पेंट बकेट टूल। ठीक है जी, पेंट बकेट टूल कलरिंग करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ग्रेडियंट टूल भी आ रहा है, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल भी आ रहा है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, पेंट बकेट टूल, हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सारे टूल्स आपने याद रखने हैं और इनकी शॉर्टकट कीज़ भी। ठीक है, मैं एक दफ़ा अगेन जो है वो आपको बता दूंगा शॉर्टकट कीज़। ठीक है, लेकिन आपने वैसे भी याद रखनी है। नेक्स्टली आपने क्या करना है, नेक्स्टली यहाँ पे नीचे आपको एक कलर पैटर्न नज़र आ रही होगी, दो बॉक्सेस बने हैं। ठीक है, उसके अंदर कलर सेलेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, आपने टॉप वाली पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने जो है कलर पिकर आ जाएगा। आपने यहाँ से कोई भी कलर जो है वो पिक कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक या रेड कलर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो पेंट बकेट टूल सेलेक्ट है, मैं जैसे ही स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो वो स्क्रीन मेरी सारी रेड हो गई है, रेड कलर से फिल हो गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोग यहाँ लेयर पैनल में देखें तो लेयर टू जो है वो कहाँ पे है, टॉप पे है, लेयर वन नीचे है। लेयर वन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो हालांकि ऑब्जेक्ट को ऊपर होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ने विजिबल होना है, तो बैकग्राउंड लेयर को हम उठा के नीचे ले जाएंगे और इसी के साथ जो है हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हो जाएगा। मैं अगेन आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, मैंने ड्रैग किया और इसे नीचे ला के मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा टॉप पे आ गया और जो बैकग्राउंड है वो बैक पे चला गया। ठीक है, लेयर्स का ऑर्डर याद रखना है आपने, बर्गर की मिसाल जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, वो सबसे यूज़फुल है। अच्छा जी, यहाँ तक तो ठीक है, अब ये मामला हो गया। नेक्स्टली हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्टली हम लोगों ने ये करना है कि हम लोग एक इमेज लेंगे और उसे जो है हम लोग पासपोर्ट साइज़ इमेज में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसका बैकग्राउंड वाइट ब्लू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस इमेज को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। हम इस इमेज को ले रहे हैं एज अ, ठीक है, सैम्पल इमेज। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ही ये है सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन किससे कर रहा हूँ मैं, फ़िलहाल क्विक सिलेक्शन टूल जिसका मैंने आपको बताया, जैसे ही मैंने W प्रेस किया मेरे पास क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो आ गया। अब इसके ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है जी, सिलेक्शन ऑलमोस्ट सारी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी सिलेक्शन में जो है वो कुछ कमी पेशी रह गई होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एरिया हमें नहीं चाहिए, मैं ब्रश का साइज सबसे पहले छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्टली मैं क्या करूँगा, अगर आप सबसे टॉप पे देखें यहाँ पे आपको तीन जो है वो बटन्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला बटन जो है वो न्यू सिलेक्शन के लिए, मतलब अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप स्क्रीन पे सेलेक्ट करेंगे तो ओल्ड सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और न्यू सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हर दफ़ा ऐसा ही होगा। ये जो प्लस जिस पे लिखा हुआ है ये बेसिकली सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन ऐड करने के लिए होता है। ठीक है जी, और ये जो सब्ट्रैक्ट का है ये इसमें क्या होता है कि इसमें आप सिलेक्शन जो की है उसमें से सिलेक्शन को माइनस करना। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया सेलेक्ट हो गया हुआ है, इसे हमने माइनस करना है, तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट वाली जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा और इसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना सिलेक्शन को स्टार्ट कर दूँगा। अब ये ज़्यादा हो गई है तो हम इसे ऐड कर लेंगे अगेन। ठीक है जी, यहाँ पे अब हमारी सिलेक्शन जो है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक और कमी भी है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अक्सर लोग इन चीज़ों पे नोटिस नहीं करते। जैसे कमी इसमें क्या है, कमी है ये यहाँ पे इस एरिया में, ये एरिया भी साथ सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये एरिया हमें नहीं चाहिए तो हम लोग अगेन इसे सब्ट्रैक्ट को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से इस सिलेक्शन को माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है जी, अभी हमारे पास ये हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया सिलेक्शन में से और ये हमारे पास ऑलमोस्ट सिलेक्शन कंप्लीट है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है,
ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर लेना। कैसे करना है, उसकी शॉर्टकट की मैंने क्या बताई थी, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट हो गई है। मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक न्यू लेयर जो है हमारे पास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आ गई है, और ये बैकग्राउंड लेयर भी है हमारे पास, इसी वजह से अभी तक जो है बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड को मैं बंद कर दूंगा, वो विजिबल हाइड कर दूंगा उसका जो है, और उस लेयर को मैं डिलीट कर दूंगा, बैकग्राउंड लेयर को। अब हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट वाली लेयर है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी किया था, अगेन मैं वही काम कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो है वो इजीली बैठ जाए। नेक्स्टली हमने क्या करना है, अब एक नई चीज़ आती है। ठीक है, इसे क्रॉप करना है, इमेज को क्रॉप करने के लिए आपने सी प्रेस करना है। ठीक है, आपके पास क्रॉप टूल आ जाएगा। सी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आपका नहीं आता क्रॉप टूल, उसके अलावा कोई और टूल आ जाता है तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, क्रॉप टूल है, प्रस्पेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है, स्लाइस सेलेक्ट टूल है। तो आपने क्रॉप टूल पे जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लेना है, और जितनी इमेज आपको चाहिए आपने उतनी इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मुझे सिर्फ ऑलमोस्ट इतनी इमेज जो है वो चाहिए। ठीक है जी, ये इमेज मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे इतनी इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास उतनी इमेज जो है वो आ जाएगी एज इट इज़। अब नेक्स्ट, ये इमेज पासपोर्ट साइज़ ऑलमोस्ट मेरे पास आ चुकी है, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है अभी। बैकग्राउंड इसे देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे लास्ट इमेज में किया था हम लोगों ने, एक न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर हम कलर कर देंगे, जैसे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ये सियान कलर चलता है। तो पेंट बकेट टूल सेलेक्ट किया जी शॉर्टकट की से, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो। अब अगेन क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए बैकग्राउंड लेयर को नीचे लेके जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट लेयर को ऊपर लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फॉरेन की बात करूँ तो फॉरेन में वाइट कलर चलता है, तो मैं वाइट अगेन सेलेक्ट करके तो वाइट कलर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक जो है पासपोर्ट साइज इमेज जो है वो रेडी हो गई है। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कलर टोन, टेम्परेचर, स्कार या पिंपल्स रिमूव करना। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।